नंबर फाइव का पहला क्वेश्चन देखो प्लीज। सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज सेट इन टू द मोशन, मोशन के अंदर है और हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, लीनियर वेलोसिटी वी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी, वेयर ओमेगा इज वी बाय आर। जब भी ओमेगा वी बाय आर गिवन होगा ना, मतलब प्योर रोलिंग है, वी इज आर ओमेगा, ओमेगा इज वी बाय आर, प्योर रोलिंग है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट बॉटम ओ। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था कि एंगुलर मोमेंटम अगर किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है तो कैसे निकालते थे, याद करो, ये एक्सिस है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इज सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, मींस मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, आई टाइम्स ओमेगा, ये तो होगा ही होगा, प्लस एम वी इंटू आर, एम वी आर भी होगा, याद आ रहा है यहां तक। तो अगर अगर मैं एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ओ के इस सेंटर के अबाउट बोलता तो सिर्फ आई ओमेगा, पर अगर जब एक्सिस शिफ्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो जो होता है होता ही होता है, साथ में एम वी आर भी ऐड हो जाता है, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, ठीक है। अब डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, अब डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डायरेक्शन के लिए जैसे ये एम वी है, ये आर है ना, ये आर है और ये एम वी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डिस्क कैसे घूम रही है, तो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक शॉर्टकट बताया था, चार फिंगर व्हील के साथ घुमाओ तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ आएगा, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर को लिखते हैं क्रॉस, क्रॉस मींस बोर्ड के अंदर, डॉट मींस बोर्ड के बाहर, तो क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर है। अब यहां पर ये क्या है पी, ये क्या है आर, अब आर वेक्टर को आगे ले जाएं ऐसे, तो आर, ये रहा आर, क्रॉस पी, आर क्रॉस पी भी कहाँ आएगा, बोर्ड के इनसाइड, तो ये भी बोर्ड के इनसाइड है, ये भी बोर्ड के इनसाइड, तो इनको प्लस करना है, अगर बाय चांस ये आउटसाइड होता तो यहां माइनस आता, ये डायरेक्शन भी साथ में चेक करनी पड़ेगी आपको इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है, ठीक। तो इसके अंदर बाकी सिंपल है, क्योंकि ये डिस्क है, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी बाय आर, सॉल्व करके एल अबाउट ओ कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर अटैच्ड टू अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ डी, तो ये रहे दो पार्टिकल, ये रॉड है जिसकी लेंथ है डी, वन एट इट सेंटर, ये रहा सेंटर, एंड वन एट फ्री एंड, एक मास ए पे एक मास बी पे, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू, रॉड इज फिक्स्ड एट अदर एंड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा के साथ इसकी रोटेशन हो रही है। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल एट द सेंटर, मतलब मेरे को एंगुलर मोमेंटम किसका निकालना है, एंड का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओ नहीं निकालना, विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगी, आर ओमेगा, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा, आर की जगह कितना डी बाई टू इंटू ओमेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है डी डी इंटू ओमेगा। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, इस वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को क्या कर दें माइनस, मतलब इस स्टेप को ऐसे लिखा मैंने, दो इक्वेशन बनाई जा सकती हैं इसमें, जैसे मैंने पहले केस में निकाला वी ए माइनस वी ओ इज डी बाई टू इंटू ओमेगा, दूसरे केस में वी बी माइनस वी ओ इज इक्वल टू डी इंटू ओमेगा, फिर इन्हें मैंने माइनस करने को कहा, तो आपके पास ये कुछ ऐसे टर्म आएगी, या उल्टा भी कर सकते हो इस, हाँ उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, ओमेगा इंटू डी बाई टू। तो अब इस केस में मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसका, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बी की वेलोसिटी निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि मेरे को अपना क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ओ नहीं करना, मेरे को अपना क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ए करना है। तो ये माना जाएगा कि ए रेस्ट पे, तभी तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस कितने के बीच में डी बाई टू। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एम पता है, वी हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और आर की जगह क्या पुट करेंगे डी बाई टू। तो आप चेक कर सकते हो इसमें एम इंटू वेलोसिटी की जगह जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, और आर की जगह कितना डी बाई टू, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। ठीक है यहां तक, तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, एम वी आर में वी रिलेटिव पुट कर दिया बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एंगुलर मोमेंटम ऑटोमेटिकली बी विद रिस्पेक्ट टू ए डी बाई टू, बी और ए के बीच में डिस्टेंस, मतलब हम ना ओ को भूल गए, हम बी को बी ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, हम ए को रेस्ट पे मान रहे हैं, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी ली हमने बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस विच इज केप्ट वर्टिकल, आइडेंटिकल व्हील को इसके ऊपर रखा गया, ये हो जाएगा सॉल्व यार, ये वही है आई वन ओमेगा वन इज आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू, व्हील के ऊपर जब व्हील रखा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कुछ कुछ ये रहा।
So fifth है uniform circular disc of mass m and radius a is rotating with a constant angular velocity omega and vertical axis passing through its center and perpendicular to its plane. Particle p of mass 2m is placed gently on the disc at a point distance a by 2 from the center. Omega बताओ. ये तो बिल्कुल वैसे ही question है जैसे हमने law of conservation of angular momentum के कई questions किए. जैसे एक disc घूम रही है अभी ओमेगा, तो ये a radius है. मैंने a by 2 पे जाके एक mass को रख दिया जिसका mass कितना है 2m. तो I1 omega by I2 omega 2, I1 ये रहा disc का into omega, I2 में half ma square disc का तो होगा ही होगा plus theorem ये जो point mass का भी add हो गया इसमें into omega dash. तो omega dash can be calculated. Next fifth के बाद question number sixth. Cap contains about 2.3 into 10 की पावर 10 kg of ice. This contributes essentially nothing to the moment of inertia of the earth because it is located at the poles close to the axis of rotation. To estimate change in length of the day to be expected if polar ice melts. तो देखो rule तो वही लगेगा कि I1 omega 1 is I2 omega 2. तो I1 पहले कितना था 2 by 5 mr square. लेकिन बाद में कितना हो गया 2 by 5 mr square तो रहेगा रहेगा. वो जो आइस है वो कहां पर चली जाएगी? आइस पूरे सरफेस पे चली जाएगी. ठीक, इधर देखो जो आइस है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म हो जाएगी पूरी अर्थ के ऊपर. हॉलो स्फीयर का लगेगा क्यों पूरे स्फीयर के ऊपर चली गई तो 2 by 3 mr square. पानी फैल जाएगा सरफेस एरिया के ऊपर 2 by 3 mr square. तो फिर आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू. ओमेगा वन में टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है 24 आवर्स है क्या? हाँ 24 या जरूरत ही नहीं है यहां से आपको टी टू की वैल्यू हाँ कर सकते हो. टी टू आप टी वन को 24 आवर्स पुट करके टी टू नया निकाल लेना फिर परसेंटेज चेंज निकाल लेना टाइम पीरियड में क्या आएगा आंसर आ जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट सेवेंथ.
देखो क्वेश्चन इज कि अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग विथ फोल्डेड हैंड्स एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट हिज सेंट्रल एक्सिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज के. चाइल्ड नाउ स्ट्रेचेज हिज आर्म्स सो दैट मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम डबल हो गया. काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी. देखो रूल तो वही है कि ऐसा करने से ओमेगा चेंज होगा. आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू. तो ओमेगा ओमेगा आई टू कितना हो गया टू टाइम्स आई वन. तो ओमेगा टू क्या आ गया ओमेगा वन बाई टू. पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर. अब कितनी है हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर. आई टू इज टू टाइम्स आई वन और ओमेगा टू की जगह ओमेगा वन बाई टू. तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक देखो बाकी आसान है. आप ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर टेन. क्वेश्चन नंबर टेन देखना. नहीं मैंने करवाया हुआ है सच इसमें शीट में था ये. इलेवेंथ ट्वेल्थ भी ओके है. ये कर लो ये वाला क्वेश्चन इलेवेंथ. इलेवेंथ देख लो. सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है डिस्क है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं. टॉर्टवाइज इज सिटिंग एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म. डिस्क के कॉर्नर पे एक टॉर्टवाइज बैठा है जो ना वो डायमीटर के लॉन्ग चलना स्टार्ट कर देता है. बीच में सेंटर आएगा फिर सेंटर को क्रॉस करते हुए डायमीटर के दूसरे हिस्से तक चला जाएगा. ठीक. Now the platform is given an angular velocity of omega naught when the tortoise moves along the chord of the platform. Sorry, diameter नहीं chord के along जाएगा वो. Chord के along जा रहा होगा तो velocity with respect to platform बताओ क्या होगी. तो angular velocity of platform with respect to vary with time as. तो यानी कि omega कैसे change होगा ये बताओ. Omega की variation time के साथ बताओ. तो मतलब diagram मैंने ऐसे बनाया इसे. ये platform है. A से D कोई chord की तरफ जा रहा है तो ए से सी पे आएगा से बिल्कुल सेंटर के नीचे और फिर टी तक जाएगा. तो एज इट मूव फ्रॉम ए टू सी जैसे वो ए से सी की तरफ आ रहा है मोमेंट इनर्शिया कम करता जा रहा है क्योंकि एक्सिस की तरफ आता जा रहा है. और जैसे ही वो सी से डी जाएगा तो आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. अब आई इंटू ओमेगा क्या होता है कॉन्स्टेंट. जैसे जैसे वो पास आ रहा है आई की वैल्यू कम होती जा रही है ओमेगा बढ़ता जाएगा. उसके बाद क्या हो गया ओमेगा कम हो जाएगा. तो इसका ग्राफ क्या बनेगा सी ग्राफ. सी ग्राफ के अंदर ओमेगा की वैल्यू पहले क्या हो रही है इंक्रीज फिर हो रही है डिक्रीज. पर आप कहोगे सर ग्राफ तो डी भी बन सकता है क्योंकि हमें कैसे पता लगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा. तो इसके लिए ज्योमेट्री लगाई मैंने. जैसे मान लो टॉर्टवाइज यहाँ पे था कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ गया. उससे डिस्टेंस कितना कवर किया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वी टी. तो ये वी टी हो गया ये डिस्टेंस आर है. तो ये कितना हो गया आर माइनस वी टी. तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है ए. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू या फिर आर की वैल्यू क्या होगी ये आर होगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस वी टी. नहीं रिपीट करता हूं ये जो डिस्टेंस होगा और ये कितना है वी टी. ये कितना है आर. ये आर मैंने गलती से इसको आर बोल दिया था एक्चुअली ये आर नहीं होगा. तो ये कितना होगा
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, राइट। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए, रादर ये भी नहीं होगा, ये आर है, गलती से मैंने फिर आर गलत बोल दिया, ये आर है, ये ए है, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, में से वी टी माइनस करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वी टी, ठीक है वो, राइट। तो आपको ग्राफ लीनियर तो नजर नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, पावर डिग्री टू में चलेगा, ग्राफ लीनियर नहीं है, तो यहां से अंदाजा हो जाएगा। ये बताने की कोशिश की है कि लीनियर ग्राफ में तो प्रोपोर्शनलिटी वन डिग्री वन में होती है ना, टू डिग्री आएगी स्क्वेयरिंग करके। क्यों ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा? ग्राफ बनेगा पहले तुम यहां से क्या निकालोगे, यहां से आर निकालोगे, यहां से स्क्वायर करके आर निकाल लिया आपने। आपने ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया? आपने ग्राफ बनाया किसमें? ओमेगा में और टी में। तो अगर ओमेगा की वैल्यू जो होती है, ओमेगा की वैल्यू में क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू में जैसे वो घूम रहा है तो आई की जो वैल्यू होगी, आई की वैल्यू, आई ये मान लो ये डिस्टेंस मैंने निकाल, ये कोई भी डिस्टेंस है मान लो स्मॉल आर, जो भी मैंने निकाला, स्मॉल आर पे आई डिपेंड करेगा, आई इज एम आर स्क्वायर, आई इज एम आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फंक्शन हो गया ना टाइम के साथ, आई आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, मैंने किया नहीं मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं, आर आ गया तो मोमेंट इनर्शिया आएगा आई वन ओमेगा वन में, तो आई वन में एम आर स्क्वायर आएगा, एम आर स्क्वायर में पूरे का पूरा स्क्वायर आएगा, तो लीनियर फंक्शन कैसे बनेगा ये पूछ रहा हूं, लीनियर नहीं बन सकता ना, डिग्री टू चल रही है ना टाइम की इसमें, तो डिग्री टू में आ जाएगा, आई वन ओमेगा आई टू ओमेगा टू लगाओगे, आई की जगह एम आर स्क्वायर पुट करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। या नहीं मतलब अंदाजा लगा रहा हूं, बुक्स में नहीं ऐसा किया, तो मैं अपनी ज्योमेट्री खुद लगा के बता रहा हूं, पूछा थोड़ी ना उसने कि ऐसे करो, उसने पूछा नहीं है, उसने तो वैसे ही पूछ लिया कि आंसर क्या होगा, तो मैं यहां से अंदाजा लगा रहा हूं कि क्योंकि प्योर मैथमेटिकल फंक्शन मैंने बनाया नहीं, पर मेरे को ऐसा लगा इसको यहां सॉल्व करते हुए कि टाइम का होल स्क्वायर चल रहा है तो कहीं ना कहीं ग्राफ लीनियर नहीं आ सकता, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं बेसिकली इसमें। डायमीटर होगा तो आई जीरो जाएगा पॉइंट मास का, हाँ पॉइंट मास, हाँ तो जीरो ओमेगा जीरो ही हो जाएगा ना, डिस्क तो घूमेगी लेकिन टॉर्टवाइज भी घूमेगा, टॉर्टवाइज एक्सिस पे खड़ा हो जाएगा, एक्सिस पे डिस्क तो घूम रही है, आई हाँ बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि आई कम हो गया तो ओमेगा तो बहुत बढ़ गया, इसका मतलब नहीं पॉइंट मास का, टॉर्टवाइज का कह रहा है, टॉर्टवाइज तो पॉइंट मास है ना, उसका तो जीरो हो गया एक्सिस पे, अगर पूछ रहा है ये किया हुआ है हमने बुलेट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन,
पहला तो किया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई बॉडी, आगे देखो, अगर कोई बॉडी इस तरीके से जा रही है, रिंग है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रिंग वंस इट स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो जैसे ही आपने इसको क्या किया, इम्पल्स अप्लाई किया, जैसे वो पूल टेबल पे बॉल पड़ी है ना, एकदम आपने जे अप्लाई किया इम्पल्स, तो पहले वो स्लाइड करने की कोशिश करेगी बट ड्यू टू फ्रिक्शन वो रोल कर पाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली मैंने उसको वी नॉट वेलोसिटी दी, मान लेते हैं, तो एम वी नॉट आर, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली एम वी उसकी वेलोसिटी होगी प्योर रोलिंग में एम वी आर प्लस आई टाइम ओमेगा। पहले ओमेगा नहीं था, अब ओमेगा है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। तो ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, और आई क्या होता है इसका एम आर स्क्वायर, रिंग है तो एम आर स्क्वायर। अब इस केस में इसे सोल्व करेंगे तो वी नॉट क्या आ रहा है, टू टाइम्स वी, और यहाँ से वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू। आपको क्या निकालना है, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको अपना आंसर, जो आपको अपना आंसर देना है वो जे की फॉर्म में देना है। अब इनिशियली आपने मोमेंटम कितना दिया था, एम वी नॉट दिया था, तो एम वी नॉट क्या है, जे इम्पल्स है, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस जे टाइप इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, इम्पल्स के ऊपर। क्योंकि वो रोलिंग स्टार्ट हो गई, पहले वो पड़ा हुआ था रेस्ट पे, तो ओमेगा नहीं था, अब ओमेगा में आ गया। ये तो आसान है, रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट हमेशा सेम होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कंपोनेंट निकाल लो रॉड के लॉन्ग और उनको सेम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड,
多种疾病的发生，日常生活中我们如何通过药膳食疗来对身体进行滋补保健？在养生药膳的制作方面，又需要注意哪些问题？ देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है व्हील इज रोटेटिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द सेंटर ऑफ व्हील इज रोटेटिंग एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट सेंटर ऑफ मास v नॉट के साथ कंसीडर अ पॉइंट p ऑन द रिम व्हिच इज एट अ टॉप एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ पॉइंट p इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t स्क्वायर ऑफ स्पीड v नॉट स्क्वायर को प्लॉट किया गया टाइम के साथ r इज द रेडियस ऑफ द व्हील तो करेक्ट इसका प्लॉट होगा क्या देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं यार ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ये मैंने कोई पॉइंट पी लिया जो रिम के ऊपर है ये रहा पी रिम का मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर है अब प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांसलेशन मोशन में भी है और ये रोटेशन में भी है तो मुझे ये पता है कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर पी पॉइंट का एंगल थीटा है तो ये भी कितना है थीटा है ये 90 ये टेंजेंट है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है अब इसके पास कितनी वेलोसिटीज होंगी पी के पास दो एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी वी नॉट रोटेशन की वजह से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो रोटेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी भी वी नॉट ही रहेगी अब इनके बीच में एंगल कितना है थीटा तो नेट वेलोसिटी पी की क्या बनेगी वी नॉट स्क्वायर टू वी नॉट कॉस थीटा तो यहां से 2v नॉट स्क्वायर बाहर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा मैथ्स में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अब जब एंगल थीटा 0 होगा 0 तो पार्टिकल टॉप पे होगा पार्टिकल टॉप पे होगा तो p पॉइंट की वेलोसिटी थीटा को 0 पुट करेंगे 2v नॉट और जब एंगल कितना होगा 180 होगा तो पार्टिकल बिल्कुल बॉटम पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी ये तो प्योर रोलिंग वाला केस हो रहा है बिल्कुल सही तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टाइम की वैल्यू क्या होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वापस आने का टाइम क्या होगा 2 पाई आर बाई वी नॉट और यहां से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम क्या होगा पाई आर बाई वी नॉट अब इसको देखते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे अब ग्राफ में वीपी का स्क्वायर अगर हम करें यहां से वीपी का स्क्वायर इज 4 वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ठीक ये ग्राफ है अब चेक करो ग्राफ में मैंने क्या बताया कि जो पी पॉइंट है पहले टॉप पे था P पॉइंट टॉप से टॉप कितनी देर में आएगा या डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2 पाई आर और यहां से यहां डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा सिर्फ पाई आर तो मैंने बता तो दिया ये टाइम कैसे आया ये टाइम आया टॉप से टॉप का मतलब 2 पाई आर बाई वी नॉट ठीक और यहां से यहां आने के लिए पाई आर बाई वी नॉट अब ग्राफ मार्क करते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर का फंक्शन है कॉस स्क्वायर का फंक्शन है तो कॉस स्क्वायर का फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा कॉस स्क्वायर का फंक्शन ऐसे चलता है ना मैथ्स में
कर लिया होगा आपने मैथ्स में, तो कॉस स्क्वायर यहां से स्टार्ट हुआ, तो जब आपका टाइम जीरो है तो वेलोसिटी फोर वी नॉट स्क्वायर है, तो पाई आर बाई वी नॉट, टू पाई आर बाई वी नॉट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, फिर से फोर वी नॉट है, और पाई आर बाई वी नॉट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो ये ग्राफ एकदम मैच कर रहे हैं, ठीक। टाइम वेरिंग फोर्स लग रही है टॉप पे 2t इस स्पूल के ऊपर, सेंटर के ऊपर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पूल एट टाइम t अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम वेरिंग फोर्स है, तो इंटीग्रेशन से ही काम होने वाला है, पक्की बात है, तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट का, f into कितना डिस्टेंस 2r, टॉप मोस्ट पॉइंट पर f into 2r टॉर्क है, और f की वैल्यू कितनी है 2t, तो टॉर्क आ गया टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। आपको क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क क्या होता है dl / dt, dl is torque into dt, torque की जगह वैल्यू पुट कर दी 4r और 0 से t तक इसे इंटीग्रेट किया, तो यहां से इंटीग्रेशन से एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेट। वैसे भी जब फोर्स टाइम वेरिंग है, टॉर्क टाइम वेरिंग है, तो l की वैल्यू बाय इंटीग्रेशन ही निकलेगी और कोई तरीका ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो एक डिस्क है और रेडियस आर है इसका, हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोल्स विदाउट स्लिपिंग अबाउट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट। ये वही क्वेश्चन जो अभी किया था, पी पॉइंट किस में जा रहा है, सीधा भी जा रहा है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, तो रोटेशन की वजह से फॉर्मूला क्या है आर ओमेगा। अब ये क्या कह रहा है, डिस्क हैविंग एंगुलर वेलोसिटी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है, रोल का मतलब सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा होगा, तो अगर सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का रेडियस यहां पर स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, क्योंकि कैपिटल आर तो टोटल रेडियस है, तो अगर ये थीटा तो 90 माइनस ये 90, तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये आर ओमेगा के दो कंपोनेंट्स, आर ओमेगा साइन कॉस थीटा, आर ओमेगा साइन थीटा। तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक तो आर ओमेगा तो किस लिए होगी, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्पोनेंट क्या होगा आर ओमेगा, और प्लस रोटेशन का क्या होगा, एक आई कैप के अलोंग और एक माइनस जे कैप के अलोंग, तो दो नेट वेलोसिटी दूंगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी और रोटेशन की वेलोसिटी भी होगी, तो यहां से सॉल्व करके वीपी कैन बी कैलकुलेटेड। आर ओमेगा सेंटर ऑफ मास है ना,
रोल कर रही है बॉडी, तो पी पार्टिकल सीधी भी जा रही है और घूम भी रही है, घूमने के तो कंपोनेंट ले लिए, सीधा जाने के लिए आर ओमेगा भी ऐड करना पड़ेगा।